भी रैली नहीं की गई। मैंने लोगों को जगाने का प्रयास किया और मैं धन्यवाद देता हूं आपके मंच से कि पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र उत्साहित होकर के हमारे कार्यक्रम में जनवरी 12 जनवरी 2023 को भी आया, 18 में भी आया, 20 फरवरी को जो अधिवेशन टाइप का एक कार्यक्रम हुआ उसमें लगा लोगों को कि माननीय सरकार से हमारा समन्वय स्थापित हो जाएगा, उसमें भी पूरी ऊर्जा लगाया, हताश निराश होके गया उसके बाद भी 18 अक्टूबर को जो उत्साह दिखाया उसके लिए धन्यवाद। पुनः 5 सितंबर का जो कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक था। इको गार्डन ये बता रहा था शिक्षा मित्र पूरी ताकत के साथ अभी अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़ सकता है और अपनी हक हुकूमत में लड़ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस बात का आघात हुआ कि धरना खत्म क्यों हुआ, दूसरे दिन क्यों नहीं चला, तो मैं स्पष्ट करूं कि 70% साथी हमारे गए थे और 30% साथी हमारे इस भावना के साथ रुके थे कि मुझे रुक करके और कल अपनी बात को कहना है। लेकिन रात में मैं फिर कहूंगा, अभी मुश्किल से एक आधे घंटे पहले आदरणीय एनकेएस चौहान साहब से वार्ता हुई है और 1 मिनट 10 सेकंड में उन्होंने ये बात अपनी स्पष्ट किया कि आप लोगों के प्रकरण में प्रगति है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ निर्देश दिए हैं और वो चार शिवकुमार जी से संपर्क टूट गया है, अभी हमारे साथ दोबारा फिर होंगे, तब तक एक छोटा सा मनोज राय जी से सवाल। मनोज राय जी, ये नेता सब मुस्कुराकर लोगों को कैसे डील करते रहते हैं? आपका काम भी नहीं करेंगे और आपसे मुस्कुराकर मिल भी लेंगे, जो विनय सिंह जी का संकेत था वो इन्हीं सब बातों पर था। नेता राकेश जी, या तो आप जुड़ा करो, जुड़ा ना करो तो फिर हट जाया करो, ये जूम मीटिंग नहीं है, पूरा देश देख रहा होता है प्रोग्राम को, आप कैमरा ऑफ कर लेते हो तो या तो जुड़ा मत करो। मनोज राय जी, बड़ी समस्या सामने होती है और उसको मुस्कुराकर धैर्य से आपको बता दें, हरियाणा में सरकार चल रही थी, 6 महीने से वहां विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया, सरकार कभी भी गिर सकती थी क्योंकि सत्र बुलाते तो बहुमत सिद्ध करना पड़ता। कल रात संवैधानिक दायरे में बर्खास्त हो गई, किसी भी सरकार को अगर चुने हुए प्रतिनिधि को 6 महीने के अंदर विधानसभा लोकसभा का अगर सदन नहीं बुलाएगा तो सरकार स्वतः समाप्त हो जाती है। अब स्वतः समाप्त हो जाती तो वो सभी विधायक जो उस दायरे में थे वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाते। तो आनन फानन में कैबिनेट की बैठक से पत्र लिखा गया राज्यपाल को संतुति करते हुए कि आप विधानसभा बर्खास्त कर दो, मतलब भंग कर दो। आ गए शुक्ला जी, आ गए हैं, तो शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं, फिर मनोज राय जी आपके पास आएंगे हम दोबारा। तो अब आप ये समझिए कि वो देर रात सरकार बर्खास्त हो गई और मुख्यमंत्री कार्यवाहक रह गए। ये राजनीतिक लोगों का प्रपंच होता है, इसे समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। जी शुक्ला जी, बात पूरी करिए, संपर्क टूट गया था। कर रहा था कि फिर शिक्षा मित्रों के बीच में जो बातें थी वो रख करके कार्यक्रम का समापन किया गया, वो शिक्षा मित्र के हित में था, हित में है और ऊपर से भी हलचल है, नीचे से भी हलचल है। मैं कई बार, अभी आप लोग कह रहे थे, माई तारकेश्वर जी, मनोज राय जी की गए थे, माननीय मंत्री जी कह रहे थे 22 तारीख को माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठ करके जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद ही हम आपके बीच में आ सकते हैं और चल सकते हैं और कुछ चीजों पर हम लोग सहमति बना रहे हैं। यही बात अभी हमको प्रमुख सचिव ने कहा कि मंत्री से हमारी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त होना है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, और जैसा कि आपने कहा, हमें केवल फोटो नहीं खिंचाना है, हमें बात करना है कि हमारे लिए आपके पास क्या क्या है और आप क्या कर रहे हैं। इस समय शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ी आवश्यकता है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और जो हमारे व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको दूर करें और पुनः नियंत्रीकरण के लिए चर्चा किया जाएगा। तो हम सब लोग उस पर लगे हैं। हम शिक्षा मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि आप धैर्य रखिए। आपने जैसे कि कहा,
तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख देना, कमेंट कर लेना, आत्मसंतुष्टि कर लेना, किसी को गाली दे देना, किसी के संदर्भ में कुछ भी लिख देना, ये एक बड़ा विषय है। आज चार पांच दिन के बाद